नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। तो इस बुलेटिन में हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेठी की, जहां युवाओं में चढ़ा रील बनाने का नशा, जिसका वीडियो हुआ वायरल। साथ ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी बिजनौर की, जहां एक दुकानदार को बदमाशों ने रात के अंधेरे में जमकर पीटा। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहाँ के जिला अस्पताल में चालू हुई ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। युवाओं में चढ़ा रील बनाने का ऐसा नशा कि अपनी जान को जोखिम में डालकर भी बना रहे हैं रील और कर रहे हैं वायरल। अभी जहां थोड़े ही दिन पहले सड़क से 30 फीट ऊपर युवक का पुशअप करते वीडियो वायरल हो रहा था, इसके उपरांत अब एक बार फिर से सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर चढ़कर झंडा लहराने का रील बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया। ये वायरल वीडियो जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नवीन मंडल स्थल जाफरगंज का दिखाई पड़ रहा है। अमेठी से सीनू संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में दुकान में सो रहे व्यक्ति को बदमाशों ने रात के अंधेरे में जमकर पीटा। गाली गलौज करने का विरोध किया तो सीने पर बंदूक तान दी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर तीन नामजद सहित 10 से 12 बदमाशों पर बंदूक तानकर ट्रिगर दबाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने कहा कि अगर कारतूस मिस ना होता तो जान चली जाती। उसने पुलिस से कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई है। और मैं दुकान में सो रहा था और उन्होंने शटर खोल का और वो बढ़ गए। उन्होंने मेरे साथ हत्तापाई करी। मैं बोला भाई क्या मामला है, क्यों मार रहे हो? मैंने वो दोनों वो हमारे लोगों की भागी थी दोनों के साथ, वो आदमी कह रहे हैं इस दुकान में या तो उसे दे आदमी हम तुझे मार दें, तो उसे मारा और बंदूक से मारा दिखा लगा कि मेरे साथ थी। मैं तो यही चाहता हूँ जी मेरी वो होनी चाहिए सुनाई। ये थे कोई 10-12 आदमी। हाँ, बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के पोस्ट ऑफिस में तैनात डाक अधीक्षक की कार्य प्रणाली से नाराज डाक कर्मियों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डाक कर्मियों ने डाक अधीक्षक पर द्वेषपूर्ण तरीके से कार्यवाही करने और ट्रांसफर करने के आरोप लगाए और डाक अधीक्षक के ट्रांसफर की मांग की है। पोस्ट ऑफिस के बाहर डाक अधीक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए डाक कर्मी शशांक शर्मा ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपना रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? सब कुछ काम नियमानुसार किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई तानाशाही नहीं चल रही। तो ये जो सर ट्रांसफर के लिए बता रहे हैं कि ट्रांसफर किए हैं कुछ, तो इसको लेकर कुछ है? ट्रांसफर की तो बहुत टाइम कमिटी ट्रांसफर करते, स्टूडेंट ट्रांसफर नहीं करता है। श्रीमान डाक अधीक्षक रामकरण मीना द्वारीजा, यहाँ नकारात्मक माहौल पैदा किया गया है, भय पैदा किया गया है, एक तानाशाही का माहौल पैदा किया गया है और हमारी एक ही मांग है कि उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, एक सुयोग्य और ऊर्जावान व्यक्ति को यहाँ लगाया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम शशांक शर्मा है, मैं SPM हूँ। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां जिला अस्पताल में चालू हुई ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन चालू होने से चार तरह के मरीजों का आसानी से होगा इलाज। जरूरत के मुताबिक मरीज को चढ़ाया जाएगा प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। मंत्री असीम अरुण ने फीता काटकर किया कंपोनेंट मशीन का शुभारंभ। साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए 5 बेड और बढ़ाए। बच्चों की शारीरिक फिटनेस के लिए प्लेरिया की भी शुरुआत की। जिला अस्पताल के आधुनिकीकरण पर अपनी निधि खर्च कर रहे हैं मंत्री। कन्नौज की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हमारा जिला अस्पताल लगातार काम कर रहा है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो हमारा ब्लड बैंक है, इसमें अभी तक जो 4 अंश होते हैं खून के, उनको अलग अलग करने की सुविधा नहीं थी। इसको ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर बोलते हैं। इसकी यूनिट बन चुकी है, पूरी तरह क्रियाशील हो चुकी है और इसने काम करना अब शुरू कर दिया है। इससे अब लोगों को कानपुर अन्यथा नहीं भागना पड़ेगा और ब्लड प्लेटलेट RBC आदि कंपोनेंट जो होते हैं वो यहीं के यहीं अपने कन्नौज में लोगों को मिलेंगे। इससे लोगों का बेहतर इलाज भी होगा, खर्चा भी कम होगा और दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं उनको हम लोग लेकर के आते हैं माताओं के साथ में और उनको अच्छा पोषण दिया जाता है माताओं को, बच्चों को, जिससे कि उनका वजन बढ़े, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और फिर उनको वापस घर भेजा जाता है। उस अवधि में क्योंकि वो रुकते हैं तो एक उनको अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। व्यवस्था अच्छी थी लेकिन अब उसमें 5 बेड और हमने बढ़ाए हैं। बच्चों को खेलने के लिए एक कमरा बनाया गया है प्ले एरिया के नाम से, जिससे कि जो ऐसे बच्चे आ रहे हैं अपनी माताओं के साथ में वो पोषण भी प्राप्त करें और खुश भी हों और अच्छी व्यवस्थाओं का आनंद लेके जाएं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
मरऊ प्रखंड के ग्राम कुंजला में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के द्वारा कुंजला दुलवा टुंगरी ईटे बरटोली तथा पद तक का सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसमें विधायक को कुंजला वासी फूलमाला से भरपूर स्वागत और साथ ही सार्वजनिक दुर्गा पूजा में नवरात्रि कर रहे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा फूल का गुच्छा देकर और आदिवासी बच्चियों मां के प्रति भक्ति नृत्य कला दिखाकर भरपूर स्वागत किया। साथ में ग्राम अध्यक्ष कसीनाथ महतो, मुरहू मंडल अध्यक्ष विजय राम गांजू, कुंजला मुखिया सावित्री तिरु, बैद्या पाहन आदि ग्रामवासी शामिल थे। हुंडी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।